अरे नरसिंह नंद भोंके या चीखे वसीम तो, नरसिंह नंद भोंके या चीखे वसीम तो, कोरिया का एक हर्फ मिटाया ना जाए। जो जिस आशिक रसूल अगर है तो हाथ उड़ जाएगा, आशिक रसूल अगर अपने आप को कहता है झुकाया न जाएगा झुकाया, जो आशिक रसूल कहता है मैंने कहा उसका हाथ उड़ेगा। और दिल को किसी के पास झुकाया न जाएगा, दिल को किसी के पास झुकाया न जाएगा, झुकाया न जाएगा झुकाया न जाएगा। सरवर कहो के माल को मौला कहो तुझे, मेरा पढ़ने का एक मुड होता है, आधा घंटा के बाद मैं शुरू होता हूँ, अगर मुड बना दिए डेढ़ घंटा पढ़ सकता हूँ। सरवर कहो के मालिक मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुल जेबा कहो तुझे, तेरे तो वसफ है बेतनाही से है परी, है राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहो तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे, दिल को किसी के पास झुकाया न जाएगा, झुकाया न जाएगा झुकाया न जाएगा झुकाया न जाएगा। हद को के पास झुकाया न जाएगा, दिल को किसी के पास झुकाया न जाएगा, दिल को किसी के पास झुकाया न जाएगा, दिल को किसी के पास झुकाया न जाएगा, दरबार मुस्तफा को भुलाया न जाएगा, दरबार मुस्तफा को भुलाया मुस्तफा। मैं समझ गया कि आप लोग कैसा सुनना चाहते हैं, मैं समझ गया। दरबार मुस्तफा को भुलाया न जाएगा, सूरज बुला के प्यारे नबी ने बता दिया, सूरज बुला के प्यारे नबी ने बता दिया, हो सूरज बुला के प्यारे नबी ने बता दिया, सूरज बुला के प्यारे नबी ने बता दिया, सूरज बुला के प्यारे नबी ने बता दिया, सूरज बुला के प्यारे नबी ने बता दिया। सूरज जब स्टेज कमजोर होता है ना तो लोग भी देखते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा हाथ उठा लीजिएगा, लोग देखते हैं। सूरज बुला के प्यारे नबी ने बता दिया, सूरज बुला के प्यारे नबी ने बता दिया, मौला अली को और रुलाया न जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, जरा अपने हाथों को फिजा पर लहरा के जरा इस्तकबाल का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, फैजान आला हजरत। और हमारे इमाम साहब हजरत कहाँ हैं? माशाल्लाह बैठे हुए बड़े अच्छे आदमी हैं, हजरत हैं माशाल्लाह। मैं नाम नहीं जानता लेकिन इमामों से मोहब्बत कीजिएगा। एक शेर पढ़ता हूँ सुनिए। अख्तर रजा ने जिनको नजर से गिरा दिया, अख्तर रजा ने जिनको नजर से गिरा दिया, हो अख्तर रजा ने जिनको नजर से गिरा दिया, 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 उससे कभी भी हाथ मिलाया न जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताजुश्शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुनने में, ज्यादा देर हाई नहीं रहूंगा, इसलिए अल्लामा साहब की तकरीर के बाद फिर एक तकरीर होनी है, तो मैं और एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है भाई?
हाँ सुन लीजिए। और सख्ती जलसा का मामला ये होता है कि जो जलसा करा था उसी को संभालना कहना पड़ता है, उसी को नारा लगाना पड़ता है, उसी को पैसा भी देना पड़ता है। दूसरा आदमी बोलने के लिए नहीं आता, देखने के लिए आता कि आदमी किया क्या, लेकिन इतना जानो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हुजूर की महफिल सजाइए, अल्लाह तुमको सलामत रखे। एक शेर पढ़ता हूँ सुनिए। कैसे तेरे बगैर मैं लुकमा उठाऊंगा। आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं कहते हैं सुभान अल्लाह। कैसे तेरे बगैर मैं लुकमा उठाऊंगा, कैसे तेरे बगैर मैं लुकमा उठाऊंगा, हो कैसे कैसे तेरे बगैर मैं लुकमा उठाऊंगा, कैसे तेरे बगैर मैं लुकमा उठाऊंगा, कैसे तेरे बगैर मैं लुकमा उठाऊंगा। माँ तुझसे दूर रह के तो खाया ना जाएगा, माँ तुझसे दूर रह के तो खाया ना जाएगा, माँ तुझसे दूर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई जवाब नहीं, भाई जवाब नहीं, भाई जवाब नहीं। से दूर रह के तो खाया न जाएगा। अभी हमारे फिरोज भाई ने एक शेर पढ़ा, बहुत बड़ा शेर था। उम्र के दौर में होते तो कट गए होते। ये जो भोंक रहे नरसिम्हा नंद, एक शेर मैं पढ़ता हूँ सुने, एक शेर पढ़ता हूँ मुसलमानों, एक शेर पढ़ता हूँ सुन ले भाई। नरसिम्हा नंद भोंके या चीखे वसीम तो सुने, जरा सुने। नरसिम्हा नंद भोंके या चीखे वसीम तो अभी तो क्या क्या बन गया, तेरी बन गया, जितेंद्र तेरी बन गया। नरसिम्हानंद भोंके या चीखे वसीम तो, अरे नरसिम्हानंद भोंके या चीखे वसीम तो, नरसिम्हानंद भोंके या चीखे वसीम तो, कुरान का एक हर्फ मिटाया ना जाए। अरे नरसिम्हानंद भोंके या चीखे वसीम तो, नरसिम्हानंद भोंके या चीखे वसीम तो, कुरान का एक हर्फ मिटाया न जाए। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे इरसालत, मसलके आला हजरत सायरे इस्लाम सहनवाज हसन, नारे तकबीर। अरे बाबा, इतना बड़ा बड़ा इनाम दे रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत। हो नरसिम्हानंद भोंके या चीखे वसीम तो, नरसिम्हानंद भोंके या चीखे वसीम तो, नरसिम्हानंद भोंके या चीखे वसीम तो, कुरान का एक हर्फ मिटाया न जाएगा, कुरान का एक हर्फ मिटाया न जाएगा। शेर सुनिए नकीम साहब, एक शेर सुनिए, शेर ले लीजिए, शेर ले लीजिए, शेर पढ़ता हूं। कागज पे लिख के नाम रजा चूमता मैं, हो कागज पे लिख के नाम रजा चूमता हूँ मैं, चूमता हूँ मैं, चूमता हूँ मैं, चूमता हूँ मैं, हो कागज पे लिख के नाम रजा चूमता हूँ मैं, कागज पे लिख के नाम रजा चूमता हूँ मैं, कागज पे लिख के नाम रजा चूमता हूँ मैं, मुझसे बरेली वाला भुलाया ना जाएगा, 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 मौला अली को और रुलाया ना जाएगा, दरबार मुस्तफा को भुलाया ना जाएगा। उड़ीसा की
खित्ते खित्ते पे जाते हैं, चाहे हमारे नदीम भाई हो, चाहे आसिफ भाई हो, चाहे हमारे फिरोज भाई हो, चाहे यहाँ जितने नाथा हैं। सरकार मुजाहिदीन मिल्लत का फैजान ऐसा होता है कि पूरा हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग जाते हैं। शेर एक पढ़ता हूँ, अगर मैंने हकीकत कहने की कोशिश की तो फिरोज साहब जरूर 100 रुपया इनाम दे देंगे, 200 भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इतने अच्छे नसीब आपके इलाके के, इतने बड़े नसीब हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितना नवाजते हैं मुझको, आप देख लीजिएगा। आप जेलर कहेगा नौकरी मुझको अजीज है, ईमानदारी से पैसा दीजिएगा। जेलर कहेगा नौकरी मुझको अजीज है, हो जेलर कहेगा नौकरी मुझको अजीज है। अरे यार आप लोग कब बोलिएगा, क्या मेरे इंतकाल के बाद बोलिएगा, कब बोलिएगा, तो बोलिए ना। सवाल आदमी बोलता है तो इस्लामिक स्कॉलर कोई कुछ बात कहता है, अगर आदमी बेतवज्जी के साथ ऐसे ही बैठे मजा आए। आप किसी से प्यार करते हो, वाले वाले किसी से भी आप बात कर रहे हो, मोहब्बत करते हो, बताते हो, अच्छी बातें बताते हो, आदमी ऐसे कैसा लगता है, या तो आदमी गूंगा समझेगा या तो पागल समझेगा, बोलने वाला ये समझेगा। हो जेलर कहेगा नौकरी मुझको अजीज है, जो नहीं बोल रहे अपने घर पे जाके बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, ये महफिल रसूल है, बोलना पड़ेगा। जेलर कहेगा नौकरी मुझको अजीज है, अरे जेलर कहेगा नौकरी मुझको अजीज है, पर शेरे रजा को ताला लगाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायरे अहले सुन्नत हजरत शहनवाज हसन उड़ीसवी, क्या बात है भाई।